इसीलिए मैंने कहा कि हमने असंग्रह क्षेत्र को अदृश्य कर दिया है, अदृश्य कर हमारे दिया। डेटा में भी नहीं आता और हमारी पॉलिसी में भी नहीं आता। मतलब जैसे कि एमएसएमई के लिए पॉलिसी सरकार घोषित करती है तो मीडियम स्केल तो सारे उसके लाभ उठा लेती है, पर माइक्रो सेक्टर तक उसका लाभ नहीं पहुंचता, स्मॉल सेक्टर तक का भी बहुत ही कम लाभ पहुंचता है। और अगर आप देखें तो एमएसएमई में 99% जो यूनिट्स हैं वो माइक्रो सेक्टर के यूनिट्स हैं और उसमें 97.5% का रोजगार है एमएसएमई का। तो जो ये 97.5% रोजगार जो माइक्रो सेक्टर का है उसके लिए कोई नीति में नहीं है, वो जो फायदा है वो जो मीडियम सेक्टर उठा लेता है। और आप देखें तो 6 करोड़ हमारे माइक्रो यूनिट्स हैं और 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट्स हैं। इनमें भी जो मीडियम यूनिट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा 30-40 हज़ार होंगे, बाकी स्मॉल यूनिट्स हैं। तो ये 30-40 हज़ार यूनिट्स हैं वो फायदा उठा लेते हैं, पर जो 6 करोड़ 6 लाख जो स्मॉल और माइक्रो हैं उनको फायदा नहीं पहुंचता। सपना दिखाना आसान होता है लेकिन वो टारगेट आपका अचीव होगा या नहीं वो मुश्किल होता है। जैसे कि हमने पहले कहा था कि 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, अभी $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और ये कह सकते हैं कि पैंडेमिक आ गया। लेकिन अगर आप देखें तो पैंडेमिक के पहले ही हमारी जो अर्थव्यवस्था की बढ़ने की रफ्तार थी वो 8% से गिर के 3.5% हो गई थी, और ये तो ऑफिशियल आंकड़े बता रहे हैं। पर मेरे हिसाब से चूंकि इसमें जो आंकड़े होते हैं सरकार के उसमें असंगठित क्षेत्र को अलग से नहीं गिना जाता, ये मान लिया जाता है कि असंगठित क्षेत्र उसी रफ्तार से बढ़ रहा है जैसे कि संगठित क्षेत्र, जो कि नोटबंदी के बाद सही नहीं है क्योंकि असंगठित क्षेत्र में गिरावट है, संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो अगर हम उसको लेके चलें तो अभी मतलब हमारी अर्थव्यवस्था नोटबंदी के समय में तो उल्टी चल रही थी, मतलब वो गिरावट पे थी, जीएसटी की वजह से गिरावट पे थी। तो हमारा जो सरकार कहती है कि हमारा जो एवरेज में जो ग्रोथ रेट है वो 6-7% चल रहा है, मेरा मानना है वो 0.5 ऐसे ही 2.5-0% के करीब चल रहा है। तो हम लोग माइनस बात है, माइनस भी था नोटबंदी के समय पे, और उस समय आपने देखा कि जब नोटबंदी हुई तो बाजार खाली हो गए थे, लोग दुकानों पे नहीं जा रहे थे, सब्जी और फल जो खेतों से आ नहीं पा रहा था शहरों में वो वहीं पे सड़ गया, शिमला मिर्च लोगों ने सड़कों पे डाल दिया पंजाब में क्योंकि 1 रुपए किलो बिक रहा था। तो यानी कि कुल मिला के उस समय गिरावट थी, लेकिन सरकार के आंकड़े दिखा रहे थे कि नोटबंदी के दौरान 8% की ग्रोथ रेट हुई जो कि कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये दिखाता है कि सरकार के आंकड़े कितने गलत हैं और उनकी जो मेथड है जिस तरह से वो कैलकुलेट किए जाते हैं उनको बदलने की जरूरत थी, वो नहीं बदला गया। तो मेरा मानना है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं बने हैं। तो तीसरी की तो बात और है, अभी हम $3.5 ट्रिलियन की भी अर्थव्यवस्था नहीं है क्योंकि जो हमारा जो आंकड़ा है वो सिर्फ संग्रह क्षेत्र के आधार पे है। अगर हम असंग्रह क्षेत्र जोड़ लें तो अभी $3.5 ट्रिलियन नहीं है, अभी हो सकता है $2.5 ट्रिलियन हो या $2.7 ट्रिलियन हो, उसके आसपास हो, पर $3.5 ट्रिलियन के करीब नहीं है हम। तो इसलिए हम 5वीं भी नहीं है, हम मेरे ख्याल में 7वें या 8वें पायदान पे हैं। अच्छा, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में वैसे ही धक्का लगा था क्योंकि उन्होंने ब्रेक्सिट किया, ब्रेक्सिट की वजह से वहां पे गिरावट हुई, परेशानी रही, तो इसलिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी बढ़ नहीं रही है। तो इसलिए हम कहें कि हम ब्रिटेन से आगे चले गए हैं, 5वें पायदान पे आ गए हैं, ये बात सही नहीं है। तो अगर हम 5वें पायदान पे नहीं आए हैं और हमारी अर्थव्यवस्था की गिरावट चल रही है तो फिर हम 3रे पायदान पे कैसे पहुंच जाएंगे? तो ये तो जैसे हमने कहा कि किसानों की आमदनी 2022-23 तक दुगनी हो जाएगी, और ये भी कहा कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे 2024 तक, वो भी ये नहीं दिख रहा है। तो कुल मिला के ये सपने दिखाने की बात अलग है और क्या हकीकत है उसको हमें देख के समझना पड़ेगा। तो इसलिए ये कहना कि हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, पहली बात तो वो नहीं। दूसरी बात ये कि हमको देखना चाहिए कि हमारे देश में सुख समृद्धि कितनी है, यानी प्रति व्यक्ति आय कितनी है। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम 142वें पायदान पे हैं। तो हमारी हमारे यहाँ क्योंकि जनसंख्या बहुत है और जब सरकार कह रही है कि अब हम चीन से भी आगे जनसंख्या के उस पे चले गए हैं, तो इतनी बड़ी जनसंख्या में तो फिर अपने आप ही उत्पादन तो ज्यादा होना चाहिए, पर लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हमें देखना चाहिए कि हमने कितनी तरक्की की है और कितना आगे पहुंचे हैं। उसमें भी अगर आप देखें तो हमारा जो असंग्रह क्षेत्र है वो बहुत बुरी तरह धराशायी हुआ है पिछले 6-7 साल में। तो जो आम नागरिक है उसकी परेशानी बढ़ गई है, उसकी बेरोजगारी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन से उसकी आमदनी कम हो गई है। तो अमीर लोग जो हैं, अपर मिडिल क्लास वाले, उन्होंने तो बहुत पैसा कमाया है, स्टॉक मार्केट दुगना हो गया,
रिकॉर्ड हाई पे चला गया है। तो स्टॉक मार्केट में कितने लोग जो है इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा से 15-20 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोग ही इन्वेस्ट करते हैं 140 करोड़ में से। तो यानी कि 1.25% है जिन्होंने अच्छा किया है, जिनकी आमदनी बढ़ी है, और इसीलिए बिलियनर्स की संख्या बढ़ गई है। लेकिन अगर आप देखें तो जो अमीर है वो भी परेशान है। तो इसीलिए हमारे देश से बहुत सारे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, जो अमीर होते हैं, वो देश छोड़ के जा रहे हैं। 2014 से 2019 के बीच में 23,000 लोगों के जाने का पता लगा, 2019 में 5,000 गए, पिछले साल 6,500 चले गए, और अभी जो पार्लियामेंट्री क्वेश्चन में आया था कि 2.5 लाख लोगों ने अपनी नागरिक भारतीय नागरिकता छोड़ दी है। देखिए ऐसा है कि जो उत्पादन होता है उसके हिसाब से आपको पता लगता है कि प्रति व्यक्ति कितना किसको क्या मिलेगा, मतलब खाना पीना है उसका, जो मोबाइल फोन है, टेलीविजन है, उसकी क्षमता कितनी है वो खरीदने की। इसीलिए मैं कह रहा था कि जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वो तो पिट रहा है। तो आम जो 94% लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में है उनमें तो एक तरह से गिरावट है, जो 6% संगठित क्षेत्र में है वहां पे बढ़त है। तो जो 6% संगठित क्षेत्र में है वहां पे अगर आप देखें तो जो बिजनेसमैन है उनका प्रॉफिट बढ़ा, तेजी से बढ़ा है। आरबीआई के अगर आप आंकड़े देखें 2021-22 के, जब पैंडेमिक था तो उस साल उनका जो उत्पादन है वो जो सेल्स है वो 41% बढ़ गया, जबकि अर्थव्यवस्था बढ़ नहीं रही थी। तो 41% जब उनका बढ़ा तो बाकियों का तो कम हुआ होगा, तभी तो ये अर्थव्यवस्था बढ़ी नहीं। तो ये दिखा रहा है कि जो हमारे जो अर्थव्यवस्था में दो हिस्से हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र अच्छा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र, अब जो ई श्रम पोर्टल का डेटा जो प्रधानमंत्री ने अभी अपने भाषण में बताया भी था कि उसमें 28 करोड़ लोग नवंबर 2022 तक रजिस्टर थे जो असंगठित क्षेत्र के थे, और उनमें से 94% ने कहा कि हमारी आमदनी 10,000 रुपए से कम है। तो अगर 10,000 रुपए से कम आमदनी है तो आप समझ सकते हो तो गरीबी की रेखा के नजदीक है, क्योंकि हमारे जो रोजगार है, रोजगार में जो हमारा जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें तो करीब 45 करोड़ ही आते हैं। तो 45 करोड़ लोग काम करते हैं और 140 करोड़ को सपोर्ट करते हैं, यानी हर एक व्यक्ति पे 3 व्यक्ति को आपको सपोर्ट करना है। तो अगर ये स्थिति है तो अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो बाकी 3 लोगों को कैसे सपोर्ट करेंगे? आपकी आमदनी तो फिर गरीबी की रेखा के आसपास हो गई, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन के हिसाब से चलें तो वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन है $2.15 प्रति व्यक्ति प्रति दिन। तो इसका मतलब है कि 5 लोगों के लिए 25,000 रुपए चाहिए, पर अगर मान लिया जाए कि ये तो पीपीपी टर्म्स में है तो इसको आधे से डिवाइड कर दिया जाए तो भी 12,500-13,000 रुपए करीब आता है। तो व्यक्ति तो 10,000 रुपए कमा रहा है, यानी कि वो जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे हुआ। तो यानी कि 94% लोग जो हमारे देश के हैं वो तो जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो हमें उसको देखना है कि क्या हमारे यहाँ खुशहाली बराबर बढ़ी है, या संगठित क्षेत्र में सारा कुछ ले लिया है, असंगठित क्षेत्र जो पिटता जा रहा है वो गिरावट पे है। ने असंगठित क्षेत्र को अदृश्य कर दिया है, वो हमारे डेटा में नहीं आता और पॉलिसी में नहीं आता। हमारी जितनी भी पॉलिसी है वो सारी संगठित क्षेत्र की तरफ केंद्रित है। हम PLI स्कीम है तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए है, उस पे 1.97 लाख करोड़ रुपए का जो सब्सिडी दिया जा रहा है। फिर उसी तरह जैसे कि हम बड़े बड़े हाईवे और बड़े बड़े रेल प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लिए है। तो जो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जा रहा है 7.5 लाख करोड़ पिछले साल था, 10 लाख करोड़ अब है, वो ज्यादातर हो रहा है हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में। तो जो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है वहां तो आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता नहीं है, वहां तो जो एम्प्लॉयमेंट जो सिर्फ जो कुछ ही लोगों को मिलता है। जैसे कि आप देखें तो पहले बड़ी बड़ी सड़कें बनती थी तो उसमें सैकड़ों लोग काम करते दिखते थे, अब वहां पे बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, बुलडोजर्स और क्रेन के हिसाब से 10-12 लोग ही दिखते हैं। तो यानी कि जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं वहां पे भी ज्यादा रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो सरकार की नीति है वो है बड़ी इंडस्ट्री को प्रमोट करने की, न कि जो छोटी इंडस्ट्री है जहां पे रोजगार पैदा हो उसको प्रमोट करने की। तो हमें स्मॉल स्केल और जो माइक्रो सेक्टर है उसको बढ़ावा देना है, तब जाके रोजगार पैदा होगा। अगर रोजगार पैदा नहीं होगा तो जो गरीब आदमी है वो गरीबी की रेखा के आसपास ही घूमता रहेगा। तो जो अर्थव्यवस्था में जो बढ़त हो रही है संगठित क्षेत्र में, वो बढ़त उसको फायदा नहीं करेगी बल्कि उल्टा नुकसान करेगी। क्योंकि जैसे कि आप देखें कि ई कॉमर्स है, अब ई कॉमर्स 20-30% बढ़ रहा है, तो अर्थव्यवस्था तो जब 5-6-7% सरकार के अनुसार चल रही है, तो वो अगर 20-30% बढ़ रहा है तो वो इसी के एवज में बढ़ रहा है कि जो हमारे नेबरहुड स्टोर है वहां पे लोग कम जा रहे हैं, उनके जो परचेजिंग कम हो गया है, वहां पे जो रोजगार कम हो गया है।
तो उसी तरह आप देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर है, लेदर गुड सेक्टर है, लगेज इंडस्ट्री है, बाकी ऐसी बड़ी बड़ी और इंडस्ट्री हैं, वहां पे भी यही हो रहा है कि छोटे और जो निम्न स्तर के जो हैं प्रोड्यूसर वो पिटते चले जा रहे हैं और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आगे चलती चली जा रही है। तो हमारी सरकार की नीतियां ऐसी हैं जो बड़े को तो प्रमोट कर रही हैं और वो कहते हैं यही प्रोग्रेस है, और जो छोटा है और जो बहुत ही निम्न स्तर का जो प्रोड्यूसर है या जो वर्कर है वो पिट रहा है। तो इसलिए अगर 3 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन डॉलर की हमारी अर्थव्यवस्था होती है, जो सरकार कह रही है कि तीसरे नंबर पे आने के लिए हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएंगे तीसरे टर्म में, तो 5 ट्रिलियन डॉलर की अगर हो भी गए तो वो होगा सिर्फ जो कुछ ही लोगों के लिए, और जो 94% हमारे असंग्रहित क्षेत्र में है वो पिटते चले जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि हमने असंग्रहित क्षेत्र को अदृश्य कर दिया है, हमारे डेटा में भी नहीं आता और हमारी पॉलिसी में भी नहीं आता। मतलब जैसे कि एमएसएमई के लिए पॉलिसी सरकार घोषित करती है तो मीडियम स्केल तो सारे उसके लाभ उठा लेती है, पर माइक्रो सेक्टर तक उसका लाभ नहीं पहुंचता, स्मॉल सेक्टर तक का भी बहुत ही कम लाभ पहुंचता है। और अगर आप देखें तो एमएसएमई में 99% जो यूनिट्स हैं वो माइक्रो सेक्टर के यूनिट्स हैं, और उसमें 97.5% का रोजगार है एमएसएमई का। तो जो ये 97.5% रोजगार जो माइक्रो सेक्टर का है उसके लिए कोई नीति में नहीं है, वो जो फायदा है वो जो मीडियम सेक्टर उठा लेता है। और आप देखें तो 6 करोड़ हमारे माइक्रो यूनिट्स हैं और 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट्स हैं। इनमें भी जो मीडियम यूनिट्स है वो ज्यादा 30-40 हजार होंगे, बाकी स्मॉल यूनिट्स हैं। तो ये 30-40 हजार यूनिट्स हैं वो फायदा उठा लेते हैं, पर जो 6 करोड़ 6 लाख जो स्मॉल और माइक्रो है उनको फायदा नहीं पहुंचता। जो हमारी संग्रहित क्षेत्र है वहां पे रोजगार पैदा नहीं होता, तो उससे बेरोजगारी बढ़ रही है। इसीलिए पैंडेमिक के पहले ही आप देखें तो 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पे हमारे यहाँ बेरोजगारी हो गई। अभी हमने 11 अक्टूबर को अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी, जो एक पीपल्स कमीशन ऑन एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसमें हमने दिखाया कि 32 करोड़ लोगों के पास तो कोई ढंग का काम है, लेकिन जो 28 करोड़ लोग हैं उनके पास कोई ढंग का काम नहीं है। तो 28 करोड़ तो जो है वो मतलब गरीबी के आसपास ही घूम रहे हैं, और ये जो 32 करोड़ हैं इनको सपोर्ट करना है 140 करोड़ का, यानी हर एक व्यक्ति जिसके पास कोई ढंग का काम है उसको चार और अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए जो है काम करना पड़ रहा है। तो इसलिए जो परिवार की जो गरीबी है वो परिवार की गरीबी बढ़ती चली जा रही है, और अगर हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को ही प्रमोट करेंगे तो ये और ज्यादा परेशानी का दौर होगा, क्योंकि संग्रहित क्षेत्र में तो आपने जैसे मैंने कहा कि 6% लोग ही काम करते हैं, तो वहां तो ज्यादा 3.5-4 करोड़ लोग ही काम करते हैं। तो 140 करोड़ में 3.5-4 करोड़ लोग हैं जो कि कोई ढंग का काम कर रहे हैं, और बाकी जो है वो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, जैसे कि ई श्रम पोर्टल का डेटा बताता है, बाकी सरकार का डेटा जो बताता है। तो इसलिए जो हमारी जो नीतियां हैं उनको पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। जो हमारी जो नीतियां हैं वो सिर्फ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़े उद्योगपतियों, टाटा हुए, अडानी हुए, अंबानी हुए, इन्हीं बड़े बड़े कंग्लोमरेट्स को सपोर्ट करने में लगी हुई है, और वो ये नहीं देख रही कि जितना उनको सपोर्ट करेंगे उतना हमारा जो छोटा उद्योग और बाकी है वो और पिट जाएंगे। क्योंकि जब ये लोग उत्पादन करेंगे, इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनके पास रिसोर्सेज हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी सामने आ रही है टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी इस रफ्तार से बढ़ रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हुए ड्राइवर का काम भी खत्म हो जाएगा, जो कि ऑटोनोमस व्हीकल्स आ जाएंगे। बैंक में जाइए तो बैंक में आपको जब अंदर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मशीन से आप पैसा निकाल लेते हैं, एटीएम से आप जो पासबुक भरवा लेते हैं और कंप्यूटर के जरिए से आप पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। तो जो जो जो, जो आदमी की रिक्वायरमेंट है वो सर्विसेज में भी और मैन्युफैक्चरिंग में। आप मारुति की फैक्ट्री चली जाइए तो बड़े बड़े रोबोट्स के जरिए सारा जो काम हो जाता है, बहुत कम लोगों की जरूरत है। तो उत्पादन बढ़ेगा बड़ी इंडस्ट्री में, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ेगा। तो यही समस्या है कि हमने जो 1990 में जब हमारे यहाँ जो करीब समझिए कि 250 मिलियन 25 करोड़ लोगों के जो वर्कफोर्स था, तो भी 6% लोग ही संग्रहित क्षेत्र में थे। आज जब 45 करोड़ का है तो भी 6% संग्रहित क्षेत्र में है। तो यानी कि जो हमारे असंग्रहित क्षेत्र है वो वैसे का वैसे ही बना हुआ है पिछले 35 साल से। हालांकि हमने नई आर्थिक नीतियां लगा दी, हमने और कोशिश कर ली, सब कर लिया, लेकिन वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखिए कृषि में भी रोजगार पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि कृषि में भी ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर, कंबाइन, थ्रेशर्स ये सब आ गए हैं, तो वहां पे अब हल बैल की जरूरत ही नहीं है। तो जो काम पहले हल बैल से आप 2-3 दिन में करते थे वो अब 3 घंटे में एक ट्रैक्टर से कर लेते हैं, और उसमें रोजगार पैदा नहीं होता है, बहुत कम रोजगार पैदा होता है। तो कुल मिला के टेक्नोलॉजी की नीति को भी हमें सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा फोकस बदलना पड़ेगा
माइक्रो सेक्टर स्मॉल सेक्टर की तरफ, और कृषि में खुशहाली के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सारी जब क्रॉप्स को देना पड़ेगा। तो जब ये सब होगा तभी हमारी अर्थव्यवस्था बदलेगी। ये हम सिर्फ बड़े बड़े उद्योगों के जो चंगुल में अगर फंसे रहेंगे तो फिर हमारे यहाँ जो परेशानी का दौर और बढ़ जाएगा आम आदमी के लिए। जन ज्वार, जनता की मीडिया।